नमस्कार, मैं निशी शर्मा, स्वागत है आपका जनप्रभात में। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर मास्टर निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी होने पर बैंक कार्ड धारक को जुर्माना देगा। इतना ही नहीं, वसूली के लिए तीसरे पक्ष को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और न ही ग्राहकों को डराया धमकाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मास्टर डायरेक्शन सभी बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों पर लागू होगा। पेमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और जिला केंद्र कोऑपरेटिव बैंक को इसमें छूट दे दी गई है। आरबीआई की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब कोई बैंक या एनबीएफसी बिना किसी ग्राहक की मौजूदगी के उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं बढ़ा सकता। ग्राहक की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करना या अन्य किसी सुविधा देने पर भी रोक लगा दी गई है। यदि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी ने इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया तो जुर्माने के रूप में बिल की राशि को दुगना भरना होगा। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली सभी कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बकाया बिल की वसूली के लिए तीसरे पक्ष का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा ग्राहक को डराने धमकाने पर भी रोक लगा दी गई है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए आवेदन करता है तो कार्ड जारीकर्ता को 7 दिनों के अंदर क्रेडिट कार्ड को बंद करना होगा। ग्राहक को बकाया बिल का पूरा भुगतान करना होगा। इसके बाद भी कार्ड जारी करने वाली कंपनी क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करती है तो उसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कंपनी को जुर्माना देना होगा। यदि कोई उपभोक्ता 1 साल से अधिक समय में क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करता है तो उसके क्रेडिट कार्ड को बंद करने का प्रोग्रेस कार्ड जारी करने वाली कंपनी की ओर से शुरू किया जाएगा। कार्ड बंद कराने से पहले ग्राहक को एक संदेश भेजा जाएगा। यदि वह 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं देता है तो उसका कार्ड 30 दिनों के बाद अपने आप ही बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी अपनी वेबसाइट और अन्य माध्यमों से ग्राहक को विभिन्न श्रेणियों के ब्याज दर के बारे में जानकारी देनी होगी। आने वाले दिनों में भारत में क्रेडिट कार्ड बिजनेस का बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की इजाजत दे दी है जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए है। काफी वक्त से यह कंपनियां क्रेडिट कार्ड बिजनेस में घुसने की सोच रही थी। आरबीआई ने 100 करोड़ रुपए की शर्त इसलिए रखी है ताकि सिर्फ वही एनबीएफसी इस बिजनेस में घुसे जो रिस्क उठा सके। रिजर्व बैंक के अनुसार अभी तक क्रेडिट कार्ड बैंकों की तरफ से जारी किए जाते थे, इन्हें कुछ प्राधिकृत संस्थाओं की तरफ से भी जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक नेटवर्थ को लेकर कोई सीमा तय नहीं की थी। रिजर्व बैंक के मास्टर निशा निर्देशों के अनुसार 100 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली कर्मशिला बैंक को स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपने प्रायोजक का अन्य बैंकों के साथ गठजोड़ कर क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।